लकड़गंज पुलिस ने एक चोरों के ऐसे गिरोह को गिरफ्तार किया है जो शहर में कई चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। मामले में सभी आरोपी 20 से 25 उम्र के अंदर के हैं, जो चोरी किया सामान एक कबाड़ी वाले को बेचते थे। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। लकड़गंज पुलिस ने दी जानकारी के अनुसार मामले में आरोपी शुभम गारकावे, अंकित कड़ू, हरेंद्र बांते और नितेश साहू ने 2023 में सोनल इलेक्ट्रॉनिक दुकान में सेंध लगाकर 30,000 रुपए के वायर के बंडल चुरा लिए, जिसके बाद चोरी किया हुआ सामान कबाड़ी दुकान का मालिक मोहम्मद नूर हसन को बेच दिया। इस घटना के बाद हुए लाभ पर चोरों की हिम्मत बढ़ गई, जिसके बाद उन्होंने साल 2024 के फरवरी माह में वर्धमान नगर में स्थित प्लम्बिंग के एक गोडाउन को निशाना बनाते हुए 25,000 का माल चुराया है। पुलिस की कार्रवाई के बाद सभी आरोपियों ने इन घटनाओं को अंजाम देने का कबूल भी किया है। मागे मार्च महिना 2024 मध्ये सोनल इलेक्ट्रॉनिक्स म्हणून वर्धमान नगर मध्ये शॉप आहे, त्या शॉप मधून कॉपर वायरचे बंडल चोरीले गेले होते। कॉपरचे वायरचे बंडल चोरीले गेले होते तर आपण त्याच्यामध्ये तीन आरोपी अटक केलेले आहे। तीन आरोपीचे नावे आहे अंकित कडू, शुभम धारगावे आणि शुभम हरेंद्र बांते, असे तीन आरोपी असून आपण त्यांना अटक केलेला आहे। त्या आणि त्या आरोपीला आपण विचार तपास दरम्यान विचारपूस केली असता त्यांनी ते वायर जे चोरीला गेले वायर होते ते एका कबड्डी दुकानवाल्याला विकले होते। तर कबड्डी दुकानवाल्याला आपण ताब्यात घेऊन विचारपूस केले व त्याच्याकडून आपण ते वायरचे वायर जप्त केलेले आहे। त्याचं नाव रितेश शाहू आहे, तो भंडारा रोडला त्याची दुकान आहे, आपण त्याच्याकडून ते जप्त केले। त्याच आरोपीकडून आपण अजून त्याच्यामध्ये एक आरोपी आहे, चौथा आरोपी नूर हसन म्हणून, तो सध्या दुसऱ्या गुन्ह्यामध्ये सेंट्रल जेल इथे आहे। आणि आपण त्यांना ह्या तीन आरोपीकडे जेव्हा अजून विचारपूस केली तर आपल्याकडं अजून एक गुन्ह्याची उकल झालेली आहे, तो गुन्हा सुख सागर अपार्टमेंट इथे असून त्याच्यामध्ये प्लम्बिंगच्या दुकानामधून वेगवेगळ्या प्रकारचे जगवार शोरूमच्या जगवारचे जे आपण घरगुती असते सामान ते चोरीला गेलेले होते। त्यापैकी काही आपण मुद्देमाल जप्त केलेला आहे आणि अजून काही मुद्देमाल जप्त करणे बाकी आहे। सदर गुन्ह्याचा तपास पोलीस स्टेशनचे हेड कॉन्स्टेबल सुखदेव गिराळकर करत आहे। तरी अजून याच्या आरोपीला अजून विचारपूस करून याच्या व्यतिरिक्त काही चोरी केली काय हे पण अजून निष्पन्न करणे बाकी आहे, त्यामुळे अजून तपासा दृष्टीने आम्ही त्यांचा पीसीआर साठी नियुक्त। युवा वर्ग आपराधिक गतिविधि में बड़े पैमाने पर लिप्त नजर आ रहे हैं। हत्या, मारपीट, चोरी, डकैती जैसे मामलों में युवाओं की लिप्तता नजर आ रही है। जरूरत है कि पुलिस पहले ही युवा अपराधियों पर लगाम लगाकर भविष्य के अपराध को रोके ताकि एक अच्छा समाज तैयार हो सके। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ प्रकाश शुंकलवा की रिपोर्ट। हार्ट से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए आएं मुग्धा ईईसीबी एंड हार्ट केयर सेंटर, जहां होता है 70% से 100% हार्ट ब्लॉकेजेस ट्रीटमेंट विदाउट सर्जरी, नो साइड इफेक्ट, विद एडवांस्ड साउंडलेस पीएसके मशीन। मुग्धा ईईसीबी एंड हार्ट केयर सेंटर बिहाइंड माउंट कामल स्कूल, अजनी स्क्वायर, नागपुर।